नमस्कार सिटी में आपका स्वागत है और आज हम हैं मोहनपुरा के अंदर। यहाँ जानने आए हैं लोग होने वाले लोकसभा इलेक्शन को लेकर लोगों की राय, किसको वोट करना चाहते हैं और किसको सांसद बनाना चाहते हैं हरिद्वार लोकसभा सीट से। तो मेरे साथ हैं सर, नाम बताएंगे? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार जी, किसे वोट करेंगे? वोट तो देखो जो अच्छा काम करता है उसको करनी चाहिए। लोकसभा में जो सांसद बनेंगे इस बार हरिद्वार के, आपकी पसंद क्या है? पसंद तो हमारे देखो फिलहाल ये है कि जो हमारे जो सांसद हैं तो पहले उन्होंने कोई खास कार्य नहीं यहाँ किया, तो हम ये चाहते हैं कि कुछ अच्छा जो मौजूदा सांसद निशंक जी उनकी बात कर रहे हैं। हाँ, उनके लिए थोड़ा सा लोगों की नाराजगी है, उन्हें अपनी नाराजगी दूर करनी चाहिए। थोड़ी ऐसी बात नहीं, कुछ कार्य लिया है तो उनका भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। यानी आप ये कहना चाहते हैं जो हमारे लिए काम करेगा वोट उसी को। जी हाँ। अभी कोई मन नहीं है कौन सी पार्टी है, तभी पता चलेगा। आप ये है जो भाई ने कहा, मतलब आप भी नाराज हैं निशंक? नहीं, निशंक मतलब काम करेगा तो पक्का उसको दिया जाएगा। अच्छा, जो काम नहीं करेगा तो क्यों वोट दिया जाए? बिल्कुल तो बिल्कुल, अपनी वोट क्यों खराब की जाए? काम करने वाले कैंडिडेट को वोट मिलेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप आ जाए। नहीं, आप भी बताएंगे अपनी अपनी राय। हो गया नहीं है, नाम बताएं आप। क्या? राम कुमार। आप यहाँ मोहनपुरा से ही हैं, तो क्या राय है आपकी, मतलब क्या चाहते हैं इस बार कैंडिडेट सांसद? कैंडिडेट के ऊपर सोचा जाएगा। निशंक जी को तो वोट मिलने के इस बार। निशंक जी को नहीं मिलेंगे क्या? वो किसी पार्टी को। अच्छा, अगर बीजेपी कैंडिडेट चेंज कर देती है? हाँ, फिर मिलेगी, फिर मिल जाएगी, फिर बीजेपी को मिल जाएगा। यानी निशंक जी से नाराजगी है, बीजेपी से नहीं है? आज तक देखा करो ना, दो योजना रह लिया। अच्छा, आज तक नहीं है, तो पहली योजना में नहीं आए थे, दोबारा में भी लोगों ने बुला लिया? योजना में तो हमारे गाँव ने पूरा समर्थन दिया, उसकी रैलियाँ कटवाई, आज सारा काम किया, जगह जगह उसके साथ घूमे। पहली योजना में काम किया उन्होंने? कुछ नहीं किया, फिर भी दूसरी योजना मिले, अगली बार कहने लगे इस बार। यानी एक बार और मौका दिया जाए तो हम काम करेंगे। आप क्या कहेंगे? बीजेपी एक अच्छे कैंडिडेट को उतारे और भारी मतों से जीत होगी। अगर निशंक जी लड़ते हैं तो? निशंक के लिए सबकी नाराजगी, यहाँ पर पूरा क्षेत्र नाराज है, सब लोग नाराज हैं। देंगे बीजेपी को, लेकिन अच्छा कैंडिडेट होगा। अगर नहीं चेंज होता कैंडिडेट, निशंक जी होता है, उसके बारे में सोचा जाएगा, सोचा जाएगा, फिर उसी वक्त निर्णय लिया जाएगा। जो भी है बीजेपी से प्यार, सबको बीजेपी से सबको प्यार है। आप क्या कहेंगे? किस यार, लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं, सांसद के तौर पे किसे देखना चाहते हैं उस बार? बीजेपी को। बीजेपी के किस कैंडिडेट को? निशंक जी हैं अभी, अगर निशंक जी ही आते हैं तो निशंक जी सही है, फिर किसी और पार्टी को वोट होगा? बीजेपी को ही, कोई भी आए बीजेपी को, बीजेपी को ही मिलेगा, चाहे निशंक जी भी हो। जैसे कुछ लोगों में नाराजगी है निशंक जी को ले, कोई काम नहीं कराया? नहीं, ऐसा कुछ काम भी हुआ है, कुछ काम भी हुआ, जैसे कि काफ़ी सड़कें वगैरह ये हैं, काफ़ी काम करवा दिए हैं सर, ये बात है। अच्छा बस, लेकिन जो भी आएगा बीजेपी को ही मिलेगा, बीजेपी को ही वोट जाएगा। जी डॉक्टर, इलेक्शन के लिए, इलेक्शन के लिए हमारे ये है कि सभी लोग मतदान करें एकजुट होकर के, जितनी मतलब। आप किसे वोट करोगे? हम वोट यहाँ के जो हरिद्वार के सांसद हैं निशंक जी हैं जी। कुछ लोगों में नाराजगी है कि उन्होंने कोई काम नहीं कराया, भाई साहब का कहना है कि जी हो कोई भी, हम तो बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। हम सर सपोर्ट उसी करो जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छा काम करेगा कोई भी हो, कोई भी हो। क्या आप क्या करें? उमेश कुमार को क्यों? उन्होंने काम कर रखे, बढ़िया काम कर रहे हो। इससे पहले किसे किया था वोट आपने? उमेश कुमार को की थी। सांसद तो नहीं बने वो अब तक, पहला तो इलेक्शन लड़ा है, पहली वोट थी ना मेरी, बात वाह। अच्छा, पहली वोट जो विधायक के तौर पे आपने की है, उमेश कुमार जी को ही की है, उन्हें की थी, और अब सांसद के तौर पे भी नहीं करेंगे? पक्का? हाँ पक्का। हाँ जी, आप क्या कहोगे? बस देख करो जी, टाइम पर बताऊंगा, जब टाइम होगा दे देंगे। टाइम तो आ गया ना, अप्रैल में इलेक्शन होना है यार। नहीं, वो तो तुम्हारे बात सही है। अभी तक मौजूदा स्थिति क्या है, आपको क्या लगता है? नहीं देखो, हमारे क्षेत्र में तो उमेश कुमार जी बहुत अच्छा काम करा रहे हैं, मतलब क्या लगता है? सांसद बन के भी कराएंगे? विधायक का सिर्फ एक एरिया होता है जी, सांसद पूरे जिले? नहीं नहीं, सांसद बन के भी कराएंगे। पांच सीटें हैं उत्तराखंड में, पांच में से एक सीट हरिद्वार की है, सांसद बनेगा, बहुत बड़ा एरिया होगा, लगता है उमेश कुमार जी कर पाएंगे? बाकी देखो, हम तो साथ दे सकते हैं, बाकी करवाने वाला काम तो ऊपर वाले का है। हाँ जाहिर सी बात है, ये बात आपकी ठीक है, पूरा पूरा समर्थन करेंगे उनको, अपना वोट उनको ही देंगे हम भी। अभी से पहले किसे दिया था? नहीं, अभी तो सांसद का तो था नहीं मेरा, सांसद के वक्त नहीं था, अभी बना आपको, इस बार उनको ही देंगे हम अपना वोट। ठीक ठीक उमेश कुमार क्यों? काम अच्छा किया, विकास अच्छा किया हर जगह। और निशंक जी ने? निशंक जी का इतना खास बन गया, इतना खास बन गया। अच्छा, तो नाराजगी है उनसे कुछ? नाराजगी तो काफ़ी है, घूमते भी गए, यहाँ पे देखा उन्होंने, कुछ काम नहीं कराया, जो काम
दिया। नाम है तुम्हारा? समीर। कितनी एज है? मेरी 22। वोट है? वोट बन गया है। बन गया इस बार? पहला वोट डालोगे? यस। किसे? लोकसभा में सांसद के तौर पे किसे डालोगे? मेरा ये मानना है वोट उसे दो जो हमें आगे हमारा काम आए, हमारे जो है सुधार करें जगहों का, और जो है हमारा सहयोग करे सबका, तो सबके साथ मिलकर चले। कौन लगता है इस बार, किसे पसंद करोगे? पसंद तो देखिए, पसंद का ये नहीं है कि अभी अभी आपकी एज 22 साल है, तो आपने 2-3 साल में जब वोट के लायक हुए आप 18 साल की एज में, उस तो देखा होगा ना कि अनले कौन काम करा रहे हैं, कौन बढ़िया है। बाकी अभी देखिए उमेश कुमार जी चल रहे हैं, वही जो है वो तो चल रहे हैं। अपनी पसंद बताओ जी। देखो पसंद की बात यही है, मैंने आपको कहा है कि उमेश कुमार जी अच्छा काम कर रहे हैं, अगर वो और भी अच्छा काम करेंगे तो वोट तो उन्हीं को बनता है। अभी फिलहाल तो ये, बाकी जो है वक्त आएगा तो देखते हैं। पहले के सांसद को कैसे देखते हो, जो अभी तक मौजूदा सांसद हैं? उनको बस यही है, कोई समस्या है उनसे? समस्या तो हमें अभी नहीं है, फिर भी वोट उमेश कुमार जी को। बाकी उमेश, बाकी अभी ये है डिसाइड नहीं है, बाकी देखते हैं, क्योंकि उमेश कुमार जी का ही सहयोग है अभी तो ज्यादा। अच्छा जी, बाबूजी किसे वोट देना चाहते हो इस बार? जो वोट गिरवाने से पहला काम करेगा हमारा। किस तरह का काम चाहते हो आप यहाँ? यही काम रास्ते का है, खंबे का है, इसे करवा दो वोट ले लो। अच्छा, तो अभी जो मौजूदा सांसद है निशंक जी? हाँ, इस टाइम यही हमारी इच्छा, जब वहाँ से जाएंगे वोट पर, जब जा देख के जाएंगे जैसा भी होगा। अच्छा, अभी तक आपने पत्ते नहीं खोलोगे अपने? ना, पत्ते नहीं खोलते हम। लास्ट टाइम पे ही बताओगे? हाँ। किसे वोट करना है? हाँ ठीक, या तो पहला काम करवा दो जी। हाँ, टिक्के बंद हो जाएगी उसकी वोट। अगर किसी ने भी कोई काम नहीं कराया फिर क्या करोगे? फिर इच्छा हमारी। फिर आपकी इच्छा है? हाँ बस ठीक है जी, फिर इच्छा हमारी। आपका क्या कहना है? लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं, सांसद बनना है हरिद्वार में, क्या कौन है आपकी पसंद सांसद के तौर? देखिए, सांसद जो काम करा जिसने, उसको वोट डालनी चाहिए। जिसने आगे आज तक जो कर रहा है, फिलहाल जो भी हमारे देश में काम हुआ है, उसके हिसाब से वोट उसे ही डालनी चाहिए। नाम तो बताएं। हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। सांसद की बात कर रहा हूँ। अरे सांसद निशंक जी हैं सांसद। हाँ हाँ, तो बीजेपी से ही है? बीजेपी से नहीं है, मान लिया। देखिए, हम तो बीजेपी को वोट देंगे, पार्टी को वोट करेंगे यार, कैंडिडेट कोई भी हो। कह दो तुम, स्टार्ट करो फिर, इशारा तुमने कर दिया। नमस्कार सिटी। इस बार के लोकसभा जो चुनाव होने जा रहे हैं, आप किसको वोट करने जा रहे हो? मैं विकास का मुद्दा रहेगा, जो विकास करेगा उसे वोट मिलेगा। विकास के जो सांसद रहे उनका भी कोई वोट नहीं होने का गांव में, हमारे यहाँ देख लेना आप। निशंक जी का अभी उन्होंने कुछ कराया नहीं है, कुछ कराया नहीं, गाँव में कोई भी वोट नहीं होने का, चाहे देख लो आप जाके पूरे गाँव के, मना कर लो। एक भी सड़क बनी हुई है, मेन रोड की जो हमारी सड़क बनी हुई ना, वो भी पड़ो सब की बनी हुई है। अच्छा, वो उनके टाइम पे बनी, उनके टाइम की बनी हुई है। तो अभी क्या मन है आप लोगों का, यहाँ किसे वोट करने जा रहे हो? बस सबसे पहला तो विकास का मुद्दा रहेगा, जो विकास करेगा, काम करेगा, उसे दी जाएगी। बाकी अप्रैल में इलेक्शन हो जाएंगे। अभी हमारे विधायक साहब हैं, विधायक साहब उस टाइम आए थे, लोगों ने वोट भी दी, हम लोगों ने भी वोट दी, लेकिन उनका भी कोई काम नहीं है हमारे। विधायक का नाम बताओ। उमेश कुमार जी। उमेश कुमार जी, आप लोग उनसे भी नाराज हैं, वो आई नहीं फिर उसके बाद इधर? बहुत कई काम लिखवा चुके हैं, उन्हें गलियां लिखवा चुके, अपने मोहल्ले की नालियां लिखवा चुके, लेकिन कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई कुछ नहीं है। क्या कहते हैं? बस उनके जो छेले छंटे, वो कहते हैं हाँ बस होने वाली है, हो जाएगी। कभी डायरेक्ट उमेश कुमार से बातचीत हुई नहीं। अच्छा, डायरेक्ट नहीं मिले आप? डायरेक्ट नहीं मिले कभी उमेश कुमार से। तो उमेश कुमार जी से कुछ कहना चाहेंगे तो हम पहुंचा देंगे अपनी वीडियो। ये कहना है कि भाई अपना उनका क्षेत्र है, उन्हें देखना चाहिए क्या काम होना क्या नहीं होना। हमारे पार्षद जी हैं, ये नाली बनवाने का उन्होंने बेटा दिया था, नाली बनवा रहा, ये नाली पहले से भी खराब कर दी, अब देखो पानी कितना भरा हुआ, और सबके पैड जुड़वा दिए जितने भी पैड है ना। अच्छा, नाली की सफाई के नाम पे, नाली बनाने के नाम से नाली बननी है, सबके पैड जुड़वा दिए, कोई नाली नहीं बनी, ऐसे ही पड़ी है अब तो, जो की तू पड़ी है, कुछ नहीं कराया उसने भी। सारे आप देखोगे पैड यहाँ से लेके वहां तक के सारे पैड टूटे हुए। अब क्या कहते हैं पार्षद जी, मिले आप उनसे? पार्षद जी से मिले, कहला इसका समाधान करूंगा, तक तो करा नहीं, कुछ नहीं, मना तो कोई नहीं करता करने से, लेकिन हाँ करेंगे, लग रहे हैं प्रयास में। तो अच्छा, अब मेरी एक बात बताएं आप जी, स्थिति यही रहती है जस की तस जी, वोटिंग का दिन आ जाता है, आप किसे चुनते हो? बस वोटिंग के थे जो ये क्या करें, अभी देखते हैं, तब प्रत्यक्ष को पता भी नहीं चला कौन कौन आ रहे, कौन नहीं। कांग्रेस बीजेपी दो तो पार्टी है ही, तीसरे हैं उमेश कुमार जी, और फिर जेसीपी का काम करते ही नहीं, जेसीपी पार्टी से भावना पांडे जी, बीजेपी से, लेकिन निक्सन जी का कोई काम ही नहीं है,
कोई क्षेत्र में कोई काम ही नहीं कर रखा। यानी अगर अच्छा कैंडिडेट बीजेपी से आता है तो आप उसे भी सपोर्ट करने के लिए तैयार? बीजेपी को दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको काम करने वाला बंदा चाहिए? कैंडिडेट काम करने वाला होना चाहिए, काम होना चाहिए। किस किस तरह के काम और चाहते हो? यही काम है जो दिख रहा है, नाली वगैरह के, नाली सड़कें, यही काम है। यानी मूलभूत सुविधाएं जो है वो मिल जानी चाहिए, मिल जानी चाहिए। इसके अलावा कुछ और जो आप चाहते हो? और क्या जी, तो सब ठीक ही चल ही रहा है अपना, जो भी कुछ और तो कोई खास है उसे कोई बात। यानी यहाँ का मुस्लिम समाज तैयार है हर उस कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए, वो पार्टी कोई भी हो, काम करने वाला होना चाहिए। एक हमें काम होना चाहिए बस, जो हमारी नली का पानी जा रहा है वो सारा इधर कब्रिस्तान में जा रहा है। कोई मतलब इस तरह का कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे इस बात की ना, जो पानी का निकासी इधर चली जा कहीं। ठीक, ये भी हमारा मुद्दा रहा कि कब्रिस्तान होली एक जगह है, ये कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के बीच में होली जलती है। अच्छा, और अभी आने वाली होली को आप देखना यहाँ के, अगर आप आ सकते हो तो कितना तनाव रहता है यहाँ पे, हम आपको बता रहे हैं। मस्जिद के सामने है, आप कर सकते हो, आप बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे आके ना, जैसे मॉल रहता है ना जो, आप आना चाहते हो आपको आमंत्रित करते हैं उसके लिए। उसका समाधान? कोई समाधान नहीं है जी, यहाँ के प्रधानों से भी इस बात को मैं कराऊंगा, ऐसा समाधान को भी करूंगा। उमेश कुमार जी ने कहा था, उमेश कुमार जी ने कहा था, मेरे पास आए थे वो, लेकिन उसके बाद में कुछ नहीं समाधान हो पाया। हमारे पास आए थे, बैठ के गए थे, मेरे पास ही आए थे, ऐसी बात नहीं है, शुरू में है, उसके बाद नहीं आया बिल्कुल। यानी जब विधानसभा के इलेक्शन थे या जीतने के बाद आए? नहीं, जीतने से पहले आए, जीतने से पहले आए उमेश कुमार जी, जीतने के बाद आया नहीं। उनके चेले चमट्टे भी नहीं आया, जो आते हैं उनके, आप लोग उनके ऑफिस गए? कहा ऑफिस गए उनके, यहाँ जो महमदपुर में खोल रखा था पहले, यहाँ भी गए हैं उनके ऑफिस। रुड़की वाले ऑफिस मिले आप जाकर उनसे? रुड़की वाले ऑफिस पे मिले नहीं, वो गए हम लेकिन वहाँ मिल नहीं पाए वो, और जो बैठते हैं उनके साथी वो कहते हैं उन्हें, हाँ भाई होगा काम, कोई ऐसी बात नहीं, होगा होगा, बस इसी में चल रहा है सब कुछ। तो यानी यहाँ होली का दहन के लिए कोई अलग जगह नहीं है, कब्रिस्तान में ही होली का दहन है। सबसे बड़ा मुद्दा है सर, ये सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा जी, कब्रिस्तान के अंदर जो होली है ये सबसे बड़ा मुद्दा है, और यही हमने उनके सामने बात रखी थी उस टाइम यहाँ आए वो वोटिंग से पहले, तो हमने यही बात रखी थी कि मैंने कहा सर ये काम हमारा होना चाहिए, मैंने कहा इस बात को मैं इस काम को कराऊंगा, लेकिन उसके बाद में बस कुछ नहीं हो पाया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ मोहनपुरा के अंदर जिस जगह हम मौजूद हैं, यह एक मुस्लिम कॉलोनी है सारी, मेरे कैमरामैन मुनीश के पीछे कब्रिस्तान का एरिया है। लोगों का कहना है कि हमें कैंडिडेट काम करने वाला चाहिए, पार्टी कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी भी हो, यानी यहाँ पार्टी से कोई मतलब किसी को नहीं है। दूसरे यहाँ से विधायक हैं उमेश कुमार जी, तो उनका लोगों का कहना है कि वो इलेक्शन से पहले तक आए, वादे करके गए, ना तो यहाँ कोई विकास हुआ है और ना ही समस्या का समाधान हुआ कि इस मुस्लिम बस्ती के अंदर जो कब्रिस्तान है उसमें ही होली जलाई जाती है और होली खेली जाती है। पार्षद जी ने नाली बनवाने के नाम पे जो नालियों के पैड़े तोड़वा दिए वो आज तक ऐसे ही हैं, गंदगी और ज़्यादा फैल चुकी है, नालियों का पानी कब्रिस्तान में जा रहा है। इस चीज़ को लेकर यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो नाराज़ हैं, पार्षद जी से भी और उमेश कुमार जी से भी। निशंक जी के बारे में भी सबका कहना है कि वो ना तो यहाँ आए हैं, ना हमने देखा है और ना ही उन्होंने कोई कार्य कराया है कि कहीं भी आप कोई एक बोर्ड तक लगा हुआ उनके नाम का दिखा नहीं सकते। तो बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार सिटी में आगे की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, धन्यवाद।